ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे थे. ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फाइव मेजर ग्रुप्स. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है बेस्ड ऑन देयर सेलुलर स्ट्रक्चर उनको हमने फाइव ग्रुप्स में डिवाइड किया है. प्रोक्रियोट्स, प्रो इज फॉर द बिफोर, एंड ये पहले भी आ गया, पहले पीछे भी था. प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिन सेल में, उनमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटिस्ट आते हैं. ये यूनिसेलुलर हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनके जो सेल होता है वो यूकैरियोट्स में आता है, इनमें न्यूक्लियस पाई जाती है, जिनमें जिसमें अमीबा आ जाता है, फंजाई. ठीक है, फंजाई का सेल भी डिफरेंट होता है. प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं. ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल्स. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमें पता है वो सेल से मिलकर बने होते हैं. देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ द सेल्स. द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, जैसे कि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, तो इनमें प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे. व्हाइल द सेल ऑफ अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल्स. और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल हैं, जिनमें प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. सेल ऑर्गेनाइज इन थ्री वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेल जो हैं वो तीन टाइप्स में इनको ऑर्गेनाइज, इनकी तरतीब दी जाती है और फिर वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. ठीक है, सेल में एक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म फॉर्म. दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अच्छा, अब इसमें यह है कि सेल जो होते हैं वो तीन टाइप के ऑर्गेनाइज होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. इनमें सेल यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है. ठीक है, बैक्टीरिया जो होगा एक ही सेल पे बन रहा होगा. फिर कॉलोनियल होते हैं, बैक्टीरिया ही की एग्जांपल में हम इनको कॉलोनियल कह सकते हैं. जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ह्यूमन की जो है एग्जांपल ले सकते हैं. अब कॉलोनीज में हमारे पास वोलॉक्स की भी एक एग्जांपल आगे उन्होंने दी हुई है. ठीक है, अच्छा, कॉलोनीज में क्या होता है और इनमें सब में क्या होता है, मैं आपको इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. यूनिसेलुलर अपना खुद का काम करेगा, एक ही सेल होगा, अपना पूरे का पूरा काम वो खुद ही कर रहा होगा. कॉलोनियल ये हैं कि ढेर सारे सेल्स आपस में मिल के रह रहे होंगे, लेकिन हर एक सेल का अपना फंक्शन होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा फूड के लिए, या वो इंडिपेंडेंट होगा, अपना काम वो खुद कर रहा होगा, लेकिन कॉलोनीज में रह रहा होगा. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सेल साथ में काम कर रहे होंगे, जैसे फिर उनका टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा. तो ये चीज़ है. ओके, तो इसने कहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अच्छा, जो सिंगल रह रहा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, जो कॉलोनीज में रह रहा है वो कॉलोनियल हो जाएगा, और जो एक ऑर्गेनिज्म है ढेर सारे सेल से मिलकर बना है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा. अच्छा, अब उसने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं सिर्फ उसको पढ़ दूंगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक सेल पूरी लाइफ बना रहा होता है ऑर्गेनिज्म की. ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली सेल. एक ही सेल जो है वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा. अमीबा, पैरामेशियम, यूगलिना, इनकी एग्जाम्पल में आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉलोनियल टाइप. द कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम. जो हमारे पास कॉलोनियल होते हैं ना, वो हमारे पास, मैंने पहले बताया, कॉलोनीज में रह रहे होंगे. ठीक है, लेकिन इन ये मिल के कोई भी काम नहीं करेंगे, हर एक सेल अपना काम कर रहा होगा और वो इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा, अपनी खुराक के लिए या किसी और भी काम, दूसरे काम के लिए. ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर द वाइटल रिक्वायरमेंट्स. वही बात कि ईच यूनिसेलुलर कॉलोनी में खुद रह रहा होगा, अपनी लाइफ होगी, वो डिपेंड किसी पे नहीं करेगा फॉर वाइटल कहते हैं अहम, जो भी उसके अहम चीज़ें होंगी, अहम जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, ज़रूरियात होंगी. जैसे वोलॉक्स की उसने एग्जाम्पल दिया, इज़ अ ग्रीन एल्गा. तो ये एल्जा जो है एल्जी के ग्रुप से बिलोंग करता है. फाउंड इन द वाटर दैट शोज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. हंड्रेड ऑफ वोलवैक्स सेल्स मेक कॉलोनी. हंड्रेड ऑफ वोलवैक्स सेल मिलते हैं तो हमारे पास वोलवैक्स की कॉलोनी बन जाती है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कहता है सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर द फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे उसने एक प्लांट सेल की एग्जाम्पल दे दी है और एक हमारे पास एम्फीबियन की एग्जाम्पल दे दी है. ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं. मस्टर्ड प्लांट, सबसे पहले मैंने आपको टैक्सोनॉमी में बताया था कि हम साइंटिफिक नेम रखते हैं क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ में एक चीज़ का डिफरेंट नेम होता है.
सरसों का पौधा उर्दू में कहेंगे, मस्टर्ड प्लांट इसको इंग्लिश में कहेंगे, और डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेनिश कंट्रीज़ में इनका नाम डिफरेंट होगा। तो हमने जो है एक ही नाम रखना है जो वर्ल्ड वाइड जो यूनिवर्सल नेम हो, तो हम उसको मस्टर्ड प्लांट को ब्रासिका कम्पेस्ट्रस के नाम से इसको पढ़ते हैं। ये आप कहीं भी चले जाएं ब्रासिका कम्पेस्ट्रस पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट को पता चल जाएगा कि आप मस्टर्ड प्लांट की बात कर रहे हैं। इज सोन इन वाटर एंड इट प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ द विंटर। सर्दियों में हम इसको उगाते हैं, ठीक है। एंड द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज वेजिटेबल, जिसकी जो प्लांट का ऊपर वाला तना वगैरह होता है, ठीक है, उसको हम साग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसके जो सीड्स होते हैं उनको हम ऑयल के लिए सरसों का तेल निकाल लेते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, जो उसके ऑर्गन हैं उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करें। रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, जो उसकी जड़ें होंगी, जो उसके तना होगा, जो उसकी डालियाँ वगैरह या उसके जो पत्ते होंगे, वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। वो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे, वेजिटेटिव उन्हें कहते हैं। वी डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, लेकिन जो उसका दो पार्ट हैं, एक में रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव और वेजिटेटिव ऑर्गन आ रहा है, और दूसरे में हमारे पास फ्लावर आ रहा है। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहा है एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, उससे हम फ्रूट और सीड ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉग के ऊपर। फ्रॉग जो है हमारे पास, उसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रिना है। शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी मोर देन वन सेल से मिलके बना है। द बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, ठीक है। उसकी बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी होती है, और उसमें लाइक रेस्पायरेशन सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर एक सिस्टम प्रॉपरली उसका वर्क कर रहा होगा। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, जो स्किन या हमारे स्किन जो होती है वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, स्किन को कवर कर रहे होते हैं, या हमारी GIT, मैंने पहले आपको बताया था GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को कहते हैं, तो वहाँ पे हमारे एसोफेगस, हमारे जो ओरल कैविटी है वहाँ पे एपिथेलियल होगा, एपिथेलियल टिशू होगा। अच्छा, जो ग्लैंडुलर टिशू होता है ना उसको हम उर्दू में गदूद कहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना डिफरेंट सिक्रीशन दे रहे होते हैं, जैसे स्टमक में हमने पीछे पढ़ा था ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में कि हमारे पास जो स्टमक होता है वो HCl सिक्रीट कर रहा होता है, ये ग्रैंडुलर है, ठीक है, ये ग्रैंडुलर टिशू होगा। मस्कुलर टिशू आपको पता है मूवमेंट में आएगा, नर्वस टिशू आपको पता है हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आता है, ठीक है, नर्वस टिशू जो हमारा दिमाग, स्पाइनल कोड, ये नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी गिवन नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट, मैं आपको जल्दी से वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी का आपको बता देता हूँ, इसको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये है कि हम पढ़ लेते हैं प्रैक्टिकल वर्क, मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने फ्रॉग को जो है डाइसेक्ट करना है, ठीक है, एक हम फ्रॉग लेंगे, ठीक है, उसको हम पिथ कर देंगे, PITH कहते हैं, इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम उसको जो है अनकॉन्शियस कर देंगे, उसको हमने डाइसेक्ट करना है फ्रॉम द माउथ टू द क्लोका। क्लोका जो है ये हमारे पास ह्यूमन में भी होता है, लेकिन अब जो ह्यूमन है ना उनमें, यानी कि जब बच्चा बन रहा होता है तो तब ये स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है, लेकिन फ्रॉग में ये प्रेजेंट है, लेकिन अब ह्यूमंस में ये रिट्रो है, मतलब ये ह्यूमंस में जब बेबी की बर्थ होती है तब नहीं होता। तो क्लोका तक, यानी कि उसकी एनस तक हमने उसको क्या करना है, एक इंसीजन देनी है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है पिंस की मदद से। जो उसका एपिथेलियल टिश्यू होगा उसको हमने क्या कहते हैं, उसको हमने पिन कर देना है, फिक्स कर देना है। उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गन्स को देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हम जो फ्रॉग है उसको इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम होते हैं, इसमें लंग्स होती हैं, इसका इंटेस्टिनल ट्रैक होता है, इसमें नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कोड, हमें सब नज़र आ जाता है, ब्लड वेजल्स होती हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स दैट मेक अप द इंटरनल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। जो फ्रॉग के इंटरनल सिस्टम बना रहे हैं उन ऑर्गन को हमने आइडेंटिफाई करना है, उनकी शिनाख्त करनी है। इन लेबॉरेटरी द टीचर विल डाइसेक्ट द फ्रॉग इन ऑर्डर टू एक्सपोज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। लेबॉरेटरी में हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है हमारे पास टीचर जो होगा उसको डाइसेक्ट करके स्टूडेंट्स को दिखाएगा। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आता है फ्रॉग बिलोंग टू एम्फीबिया, मैंने पहले बता दिया था कि एम्फीबियन है, ठीक है।
एनिमल किंगडम से ये एम्फीबिया के सब ग्रुप में आता है. इट प्रोसेसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. इसके अंदर हमारे पास टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है. द आउटसाइड ऑफ फ्रॉग हेड हैड्स टू एक्सटर्नल नोस्टल्स. इसके दो नोस्टल, दो नाक के जो दो निशान होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में हैं, नोस्टल इसके दो होते हैं, ठीक है. टू टेम्पनाई, टेम्पनाई कहते हैं जो हमारे कान के पर्दे की जो मेम्ब्रेन होती है या कान का पर्दा, टेम्पनाई उसको कहते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन. और एयर ड्रम्स भी उसी कहते हैं. टू आइज होती हैं उसकी, थ्री लिड्स होती हैं आँख के ऊपर, तीन उसके पर्दे होते हैं, ठीक है. और जो थर्ड पर्दा होता है उसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होता है. हमारे पास कैमल्स भी होते हैं, ठीक है. कैमल्स में भी ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है. जब सहरा में कोई हमारे पास सहरा में जब कैमल चल रहे होते हैं तो हमारे पास कोई तूफान आ जाता है तो वो जो उनकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है ना, इस उससे ना वो ईजीली देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. इसी तरह जो हमारे पास फ्रॉग होती है वो भी डार्क में और जो होता है पानी में अगर है तो वो अपने, अगर उसने किसी चीज़ को क्या कहते हैं प्रे को उसने पकड़ना है, अपने शिकार को पकड़ना है, तो वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है उससे देख सकती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है. ये आगे इसका क्वेश्चन भी उसने दिया है लास्ट पे के निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो ये उसके फंक्शन होते हैं कुछ, ठीक है. पानी में वो ट्रैवल कर रही है तो उनकी जो आँखें हैं वो प्रोटेक्टिव रहती हैं, जैसे उनके कॉर्निया वगैरह. तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका होता है, ठीक है. रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने देखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसका देखना है, हार्ट होगा, उसकी ब्लड वेसल्स होंगी. यूरिनरी सिस्टम में हमने उसकी किडनी देखनी है, गुर्दों को कहते हैं, ठीक है. उसके बाद यूरेटर देखने हैं, पेशाब की नाली को कहते हैं. ब्लैडर देखना है, मसाने को कहते हैं. एंड क्लोका, ठीक है, क्लोका को देखना है. ये एक क्लोका जो होता है ना एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना और यूरिनरी ट्रैक ये आपस में मिल रहा होता है, इस पॉइंट को हम क्लोका कहते हैं. पहले मैंने आपको बताया भी है. द ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड क्लोका. जो हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने टेस्टिस देखना है, स्पर्म डक्ट देखनी है और क्लोका देखना है. फीमेल में हमने ओवरीज इंडेफिनेटली देखनी है, ओवरी डक्ट और यूट्रस देखनी है. यूट्रस इज अ प्लेस जहाँ पे जाके एम्ब्रियो ने जाके इम्प्लांट होना है, यानी कि नए बच्चे ने जाके बनना है, और क्लोका हो गया. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम उसका ब्रेन देखेंगे, स्पाइनल कोड देखेंगे, उसका स्कल, उसकी खोपड़ी को देखेंगे. इनक्लोज्ड इन द बैकबोन, और बैकबोन के अंदर उसका जो है स्पाइनल कोड होगा. नर्व्स ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. दिमाग में ये ऐसे हमारे पास दिमाग होता है ना, ये हमारे पास दिमाग ऐसे होता है, ठीक है. दिमाग में से स्पाइनल कोड में इस तरह से नर्व निकल रही होंगी. अच्छा, फ्रॉग स्केलेटल मसल्स हम देखेंगे, फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स देखेंगे. स्केलेटल मसल में बॉडी जहाँ पे अटैच होती है. मटेरियल रिक्वायर हमारे पास प्रिजर्व फ्रॉग होगी, ठीक है, या पिथेड फ्रॉग इसको कहेंगे वो होगी, ठीक है. डाइसेक्टिंग ट्रे होगा हमारे पास, उसमें कैंचियाँ वगैरह इंसीजन देते हैं. हमारे पास रोटा ब्लेड होता है, ये हमारे पास सर्जरी वार्ड में भी होते हैं. और पेपर टावल होगा, ठीक है. डाइसेक्टिंग किट होगी. प्रोसीजर जो है हम देख लेते हैं. टीचर विल प्लेस द अनकॉन्शियस फ्रॉग. मैंने पहले ही आपको प्रोसीजर बयान कर दिया तो वीडियो लंबी हो रही है, तो इसको आपने, मैंने जो बताया वैसे ही करना है, ठीक है. यूज़ द डायग्राम बिलो टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स. हमारे पास हम ऑर्गन्स में देखेंगे एसोफेगस कहाँ पे है, स्टमक कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी आंतों को, मैदे को, उसके गले को देखेंगे, क्लोका को देखेंगे, लीवर जिगर को कहते हैं, गाल ब्लैडर देखेंगे उसका, ठीक है. उसके बाद पेंक्रियाज देखेंगे, लुबलुबा को पेंक्रियाज कहते हैं और गाल ब्लैडर हमारे पित्ते को कहते हैं. अगेन रेफर टू द डायग्राम बिलो टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम दैट आर चेस्ट कैविटी. हम चेस्ट कैविटी को देखेंगे. फाइंड द लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम. हम राइट और लेफ्ट एट्रियम यानी कि उसके दिल को देख रहे हैं, चेस्ट कैविटी को देख रहे हैं. उसमें हम वेंट्रिकल देखेंगे. हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे एट्रियम दो होते हैं और दो नीचे ऐसे वेंट्रिकल होते हैं. तो हम लेफ्ट राइट एट्रियम देखेंगे और वेंट्रिकल देखेंगे, ठीक है. और यहाँ से हमारे पास एओर्टा जा रहा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर सब क्लेमियन वेन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. यूज़ द प्रोब, हम प्रोब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. और सीजर जो है कैंचियों का इस्तेमाल करेंगे. लेफ्ट ओवर इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह को देखेंगे. यूरिनरी ट्रैक इस तरह हम देखेंगे. हम किडनी को रिमूव करके देखेंगे. किडनी आपको बताया गुर्दों को कहते हैं. थ्रेड लाइक स्पाइनल कोड को देखेंगे. धागे की तरह ना हमारे पास स्पाइनल नर्व जा रहे होते हैं. ये हमारा स्पाइनल कोड कुछ ऐसे होता है, ठीक है. उसके अंदर से ऐसे ऐसे नर्व निकल रही होंगी, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है.
दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्पाइनल कोर्ड, स्पाइनल कोर्ड से निकल रही होंगे, डिस्पोज द मटीरियल, हम डिस्पोज कर देंगे उसको, ठीक है, उसको यानी कि सेफली हमने जो है किसी भी बास्केट वगैरह में या उसको डिस्पोज कर देना है, जैसे डिस्पोजेबल स्ट्रिंग्स होती हैं हमारे पास. क्लीन अप द वर्क एरिया, जो जहाँ पे हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एरिया को क्लीन करेंगे और हाथ वगैरह धो लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे. आफ्टर आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हमने ये पिक्चर जो है ड्रा करनी है, इसमें देखें हमारे पास ये लेफ्ट एट्रियम है, ये उसका बेसिकली हार्ट दिखा रहा है, ये उसका हार्ट होगा, यहाँ पे लंग्स हैं, फेफड़ों को कहते हैं, स्टमक, पैंक्रियास, स्प्लीन, स्प्लीन कहते हैं जो तिल्ली होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और आर्टरीज को देख लेंगे. ये देखें ना, ये उसका एओर्टा जा रहा है, एब्डोमिनल एओर्टा, फिर यहाँ से हमारे पास वो ह्यूमन में तकरीबन ऐसे ही होता है जैसे फ्रॉग में होता है. लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर देखेंगे, ये उसका मसाना है, ठीक है. उसके बाद किडनी देखेंगे, वेन्स देखेंगे, उसका लीवर देखेंगे, जिगर देखेंगे, लेफ्ट एट्रियम वगैरह, और ट्रंकस आर्टरियोसिस. ये ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या होता है? ट्रंकस आर्टरियोसिस इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट. ये हमारे पास डेवलपमेंट में ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है. ये ट्रंकस आर्टरियोसिस दिल का एक हिस्सा होता है, ठीक है, आपको इतना ही बस पता होना चाहिए कि दिल का एक हिस्सा होता है. उसके बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.